विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद आज नई सरकार के गठन को लेकर बैठक होगी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा और गठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली बहुमत के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने महागठबंधन को बेईमानी से हराया है। विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की ओर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर राजद नेता मनोज झा ने तंज कसा है। सांसद मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार कमजोर बहुमत के कारण ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। बिहार के सासाराम से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल सासाराम के डालमिया नगर थाना क्षेत्र के एक अधेड़ व्यक्ति ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दिया और लाश को बक्से में बंद कर दिया। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। राज्य भर में दीपावली के अवसर पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी जमकर पटाखे फोड़े गए। दरअसल एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा 1 दिसंबर तक राज्य में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर बैन लगा हुआ था। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर पटाखे जलाए गए। राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल बिहार में कोरोना रिकवरी रेट 96.79% पहुँच गया है। इसके साथ ही एक्टिव केस में भी कमी देखने को मिल रही है।